हेलो जी, कैसे हैं आप सब? और गणपति पप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति जी तो चले गए हैं और बहुत सूना सूना भी हो जाता है घर, क्योंकि 11 दिन गणपति जी हमारे साथ रहते हैं। रोज़ शाम को कोई ना कोई आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, मतलब पूजा के समय, और हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ना, ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपसे कुछ बात शेयर करनी थी। इस बार सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आ रहा था कि गणपति विसर्जन लोग किस तरह कर रहे हैं, किस तरीके से पूजा पाठ करने के बाद भी गणपति जी को इस तरीके से इतनी ऊंचाई से नीचे फेंकते हैं कि उनका सिर अलग हो जाता है, हाथ अलग हो जाते हैं उनका, मतलब उनके जैसे वो कहते हैं ना, अंग अलग हो जाते हैं। सच्ची बताऊं, जब वीडियो ऐसी आगे आती है ना, तो एक एक बार ना दिल जैसे वो हो जाता है, क्योंकि हम लोग भी 11 दिन रखते हैं। पहले हम लोग भी विसर्जन के लिए बाहर जाते थे, पर अभी 8-9 साल से मैं विसर्जन जो है घर पर ही करती हूँ। तो मैं आप लोगों से बात ये करना चाह रही हूँ कि आजकल मार्केट में छोटे छोटे प्यारे प्यारे से गणपति जी, इको फ्रेंडली गणपति जी मिलते हैं, आप लोग वो लाएं। एक दिन, सवा दिन पूजा करें, 2.5 दिन की करें, 3 दिन की करें, 5 दिन की करें, चाहे 11 दिन की करें, अच्छे से गणपति जी लाएं, उनकी खूब पूजा पाठ करें। पर जब उनको विसर्जित करते हैं ना, तो जितने आदर सम्मान के साथ आप उनको लेकर आते हैं ना, उससे ज़्यादा आदर सम्मान के साथ आप लोगों को उनको विदा भी करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, घर पर ही विसर्जन करते हैं। घर में आप बड़ा सा टब लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए, फूल डालिए, इत्र डालिए, जो आपने डालना है वो डालिए आप उसमें, मतलब उनके अच्छी अच्छी चीज़ें, कि गंगा जल, फूल, फल फल तो नहीं डालने, ये सब डालिए। और उसके बाद ढोल नगाड़े के साथ आप उस ढोल नगाड़ों के साथ उसी जल में उनका विसर्जन करें। सुबह डालेंगे, शाम शाम को डालेंगे, सुबह तक गणपति जी अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद वो सारा जल जो है आप लोग अपने घर के पौधों में डालें। अगर जल ज़्यादा है तो आप जितनी संगत आई होती है या आस पड़ोस है, आप उनको दे दीजिए, वो लोग अपने पौधों में डालें। गणपति जी हमेशा आपके साथ रहते हैं और बहुत अच्छा फील होता है, पता है, जब हम अपने पौधों में उस जल को डालते हैं। तो इस तरीके से फेंकना गणपति जी को, इतनी पूजा पाठ करने के बाद आप जाते हो, निरादर कर कर आते हो, उनको फेंक आते हो, ऊपर से फेंकते हो, ये सब अच्छा नहीं है, मत करिए। क्योंकि हम अगर उनकी पूजा कर रहे हैं, विश्वास के साथ कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि अंत में हम कुछ भी करें, ऐसा नहीं होता। तो ये सोशल मीडिया पर इस बार बहुत था और मेरा मन था मैं बात करूंगी, तो प्लीज़ आगे से ऐसा मत करिएगा। जो भी करते हैं, सब तो नहीं करते, अब 90% लोग समझ गए हैं, पर जो 10% हैं वो समझ जाए। गणपति बप्पा मोरया।